सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि क्या आपको अपना गैलेक्सी J7 प्राइम रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइस, आप लोगों में से बड़े सारे लोगों के कमेंट आते हैं, यार हमारे को बताओ कि हम अपना फ़ोन रूट करें या ना करें, क्योंकि अपडेट करने के बाद हमारा फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा लैग करने लग गया है और हमें फ़ोन लिए हुए करीब करीब एक साल से ज़्यादा हो चुका है और अब हम लोग उसके जो सॉफ्टवेयर है उससे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो हमें अब कुछ नया चाहिए, तो क्या आप लोगों को रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वही चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेरे पास जो है गैलेक्सी J7 प्राइम है एंड गाइस उसके ऊपर मैंने लेटेस्ट अपडेट जो है इंस्टॉल कर लिया है, जो कि अभी मार्च के अंदर आया था। आई गेस 8th या 9th मार्च को वो अपडेट आया था। तो गाइस, उस अपडेट करने के बाद आप लोगों में से बड़े सारे लोग बोल रहे हो यार कि हमारे फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, स्क्रीन फ्लिकरिंग अभी ठीक नहीं हुई है। गाइस, बहुत सारे लोग हमको प्रॉब्लम हो रही है एंड मुझे नहीं पता क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे स्मार्टफोन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्यों हो रही है। और गाइस, मैं हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मेरे पास नहीं होता, लेकिन जो कुछ होता है मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। और स्क्रीन फ्लिकरिंग की जहाँ तक बात है गाइस, उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकता, वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। बहुत लोगों के पास, मेरे फ़ोन में तो होती है, थोड़ी बहुत कभी कभार होती है, लेकिन ऐसे नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कभी कभार हो जाती है। तो गाइस, उसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप लोग बोल रहे हैं यार हम लोग अपना फ़ोन कर लेते हैं रूट। रूट करने के बाद हमारे को मिल जाएगा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो कि होगा एंड्रॉयड ओरियो ऑल्सो, और उसके बाद जो हमारा लैगिंग इशू और सब कुछ है वो सब खत्म हो जाएगा। सो गाइस, हाँ एक बात से आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो अगर आप फ़ोन अपना रूट कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर तो मिल ही जाएगा और उसके साथ साथ आपको जो आपका फ़ोन के अंदर जो लैग है वो कम हो जाएगा। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। गाइस, मान लीजिए अगर आपने अपना फ़ोन जो है रूट कर लिया, अगर आपके पास गैलेक्सी J7 प्राइम है एंड गाइस, गैलेक्सी J7 प्राइम रूट करने के बाद आप उसके अंदर कर लेते हैं कस्टम रिकवरी इंस्टॉल। कस्टम रिकवरी करने के बाद इंस्टॉल आपने उस फोन के अंदर कर लिए नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। तो जब आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि आपको बताओ गाइस, बड़े सारे OS जो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और TWRP के साथ बहुत सारे OS हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो वर्क करते हैं, ओरियो बेस्ड OS भी हैं और कहीं अगर आपको मिल जाता है तो एंड्रॉयड पी भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। सो गाइस, इतने सारे OS के सपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप अपना रूट कर लेते हैं फ़ोन। आप अपने फ़ोन को iOS में बदल सकते हैं, आप अपने फ़ोन को ब्लैकबेरी में बदल सकते हैं, आप अपने फ़ोन को नोकिया के स्मार्टफोन में बदल सकते हैं। तो गाइस, आप बहुत कुछ कर सकते हैं रूट करने के बाद। बट गाइस, यहाँ पे एक कैवियट है जो कि है, अगर आप अपना फ़ोन रूट करते हैं तो आपकी वारंटी हो जाती है अवॉइड। एंड गाइस, अगर वारंटी आपकी हो जाती है अवॉइड, मान लीजिए अगर आपको फ़ोन को लिए हुए एक साल अभी नहीं हुआ है तो आप अगर उसे रूट कर लेते हैं तो आपका फ़ोन जो है वारंटी से बाहर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपके फ़ोन के स्क्रीन के अंदर कोई दिक्कत आती जो कि होगी इंटरनल प्रॉब्लम, तो गाइस वो जो है आपकी वारंटी के अंदर कवर नहीं होगी। तो इसलिए गाइस, ये वाले जो चीज़ है, एक साल हो जाए आपके स्मार्टफोन को उसी के बात करिएगा, नहीं तो एक साल से पहले आप अपने ओन रिस्क पे कर सकते हैं। वारंटी वो काम आपको अगर फ़ोन ख़राब होता है वो कर देंगे ठीक, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो कि गाइस सबको दुखते हैं पैसे निकालने अपने फ़ोनों के ऊपर, क्योंकि गाइस जब फ़ोन की स्क्रीन टूटती है बहुत दुख होता है, और जब फ़ोन की स्क्रीन के लिए 5-6 हज़ार रुपये लोग लेते हैं कंपनी वाले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो गाइस, यही है कि अगर आप लोग J7 प्राइम को रूट करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड गाइस, हाँ आप लोग J7 प्राइम को रूट कर सकते हैं, मैं आपको ट्रस्टेड वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पे आपको गाइडेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आप अपने स्मार्टफोन को रूट कर सकते हैं। एंड गाइस, उसी इन्फॉर्मेशन को आप लाइक देख के अपने फ़ोन को भी रूट कर लीजिएगा। बट गाइस, रूट करने से पहले एक और बात ध्यान रखिएगा कि आप ना पहले अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको बैकअप कर लीजिएगा। TWRP बहुत ज़्यादा पावरफुल रिकवरी सॉफ्टवेयर है, वो आपके फ़ोन को बिल्कुल डिमिनिश भी कर सकता है और बहुत ही अच्छा बना भी सकता है। तो गाइस, अगर मान लीजिए आपने पूरा पूरा फ़ोन जो वाइप कर दिया तो फ़ोन के अंदर कोई भी कुछ नहीं बचेगा, और उसके बाद अगर आप सॉफ्टवेयर ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं उसके लिए, तो आपका फ़ोन हमेशा के लिए सिर्फ बूटिंग स्क्रीन पर ही अटका रह जाएगा। तो गाइस, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है आप लोग ध्यान में रखने के बाद ही अपने फ़ोन के ऊपर ये ट्राई करिएगा। अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है, कोई पुराना डिवाइस है घर के अंदर जो कि आप अब यूज़ नहीं करते हो, ट्रैश है, उस पर आप इंस्टॉल करके ले देख लीजिए। सो गाइस, अगर आप लोगों का अभी भी ये वाला जो फ्रेज़ है अगर सॉल्व नहीं हुआ है कि आप लोग इंस्टॉल करें रिकवरी या नहीं करें, तो गाइस स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आंसर, अगर आप लोग फेड अप हैं, लैग हो रहा है स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा, तो मैं कहूँगा कि इंस्टॉल कर लीजिए। बट गाइस, बहुत सी ऐसी फर्मवेयर फाइल्स होती हैं जिसके अंदर बहुत चीज़ों का सपोर्ट नहीं होता, जैसे कि कोई फर्मवेयर फाइल्स होती हैं जो कि ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करती, कोई फर्मवेयर फाइल्स होती हैं जो कि आपका फिंगरप्रिंट सपोर्ट नहीं करती, कोई बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करती, कभी कभार तो आपको कॉलिंग में भी दिक्कत आती है। तो गाइस, ये सब चीज़ें जो आप देख समझ के, सोच समझ के ही करिएगा। और अगर आप लोग सक्सेस हो जाते हैं तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो, अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड मैं आपको मिलता हूँ ऐसी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, प्रेस गाइस।